तुम कुछ पूछना चाहते? नहीं नहीं शर्माओ मत, पूछो क्या बात है पूछो। ये तकलीफ हमको नहीं हमारे दोस्त को है, इसलिए पूछ रहा हूँ। अगर लिंग के ऊपर लाल फोड़े आ जाए तो क्या करना चाहिए? अच्छा हुआ कि मेरी नजर उस वक्त किशन पर पड़ी, वरना सवाल तो दबा का दबा ही रह जाता। मुझे पता था कि वो सवाल अपने बारे में पूछ रहा है, पर नाम किसी और का ले रहा है। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे डॉक्टर से मिलने की सलाह दी। बाद में मुझे पता चला कि उसे गुप्त रोग था और वक्त रहते उसका इलाज भी हो गया था। जानकारी देते वक्त सुनने वालों के हाव भाव पर ध्यान रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि ऐसा ना करने पर प्रशिक्षक उस मौके को खो सकते हैं जब लोग पहली बार हिचकिचाते हुए भी मन की बात कहने को तैयार हुए ही होते हैं। पहली बार हम उस विषय पर पहुंचे जिसके लिए हम गांव आए थे, जातीय अंगों की बीमारियां, स्त्रियों में महामारी की समस्याएं, संभोग और उससे फैलने वाली बीमारियां, उनमें से सबसे खतरनाक एड्स। इनके बारे में हमने गांव वालों से खुलकर बातें की। एक के बाद एक कई लोगों के किस्से सुनने को मिले। कोई वही क्लासरूम में पूछता था, कोई बाद में अकेले में पूछ लेता था। पर ये भी तो हो सकता है कि कुछ लोग इसके बावजूद अपने सवाल ना पूछ पाए। बिल्कुल सही, इसलिए तीसरे दिन से हमने फैसला किया कि जहां हम रात को ठहरते थे वहां बाहर एक डब्बा लगा देते थे ताकि शर्माने वाले अपने सवाल लिखकर उसमें डाल दें। और अगले दिन उन्हें पढ़कर हमने हर एक का जवाब दिया। और फिर हमने उन्हें खेल खिलाया। तो इस खेल को शुरू करने से पहले मुझे दो लोगों की मदद चाहिए। बोलिए कौन करेगा? अरे नहीं, बस दो लोग चाहिए। अच्छा ठीक है, राम अवतार और सुखिया। ठीक है, तो अब आप लोगों को करना ये है कि कमरे से बाहर चले जाना है। अरे घबराओ नहीं भाई, ये भी इस खेल का एक अंग है। जब समय आएगा तो वापस बुला लूंगा, ठीक है? लेकिन तब तक कमरे के अंदर झांकना भी मना है। बोलो मंजूर? ठीक है, जाओ। चलो 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 चलो। हाँ तो अब शुरू करते हैं खेल। ये तीनों जो हैं ऊन की गेंदें हैं। तो अब हमें करना ये है कि नंदू ये तुम पकड़ो, शंकर ये तुम पकड़ो। तो देखिए अब हमें करना ये है कि इस डोर को पकड़कर अपने हाथ की किसी भी एक उंगली में यूं दो तीन बार घुमाना है, फिर इस गेंद को किसी दूसरे आदमी के पास फेंक देना है। चलो पकड़ो शंकर। हाँ पकड़ो। अब वो दूसरा व्यक्ति ये करेगा कि वापस इस ऊन को अपनी किसी एक उंगली में दो तीन बार घुमाएगा और फिर ये गेंद जो है किसी तीसरे व्यक्ति को दे देगा। घुमाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब ये गेंद इनको दो। ठीक पकड़ो। हाँ अब तुम घुमाओ। तो अब ये किसी और को दे देंगे। तो समझ में आया? इस तरीके से हम लोग अपना खेल शुरू करते हैं। चलो नंदू शंकर शुरू करो। हाँ चलो घुमाओ घुमाओ घुमाओ। हाँ ठीक। ये बन गया एक माया जाल, है ना? तो अब कोई राम अवतार और सुखिया बुलाओ। आवाज दो रामू। अब तुम दोनों में से कोई मुझे ये बता सकता है कि इस ऊन की डोर कहां से शुरू हुई और कहां जाकर खत्म हुई? अरे भाई ये जो अलग अलग रंगों की डोरें हैं ये कहां से शुरू हुई कहां खत्म हुई बताओ। नहीं बता पाए ना? चलो कोई बात नहीं, बैठो 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 बैठो, आ जाओ आओ इधर आओ आ जाओ। अब कोई मुझे ये बता सकता है कि इस खेल से हमें एड्स के बारे में क्या पता चल सकता है? हाँ नंदू बोलो। इससे हमें ये पता चलता है कि इस डोर की तरह एड्स कहाँ से किसको चला जाता है मालूम नहीं पड़ता। वाह बिल्कुल सही, इसीलिए कहते हैं कि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है ना?
एक और जरूरी बात है कि एड्स चार मुख्य कारणों से फैलता है। एक, किसी एड्स पीड़ित मर्द या औरत के साथ बिना कॉन्डोम के संभोग करने से, है ना। दूसरा, किसी एड्स पीड़ित गर्भवती महिला से आने वाले बच्चे को। तीसरा कारण है असुरक्षित रक्त लेने से। और चौथा मुख्य कारण है किसी एड्स पीड़ित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की हुई सुई या ब्लेड का इस्तेमाल करने से, है ना। सब लोग समझ गए? उदाहरण देकर समझाने के क्या फायदे हैं? उदाहरण देकर समझाने से लोगों को कोई भी विषय आसानी से समझ में आ जाता है। आप लोगों ने ऐसे कॉन्डम तो देखे ही होंगे और इनके इस्तेमाल के बारे में भी जानती होंगी। हाँ, ये इसमें क्या शर्माना, इसे अच्छी तरह से देख लो, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य का रक्षक हो सकता है। इसे संभोग से पहले अगर मर्द अपने लिंग पे लगाए तो उसे एड्स और गुप्त रोग से बचाया जा सकता है और बच्चे भी अपने मर्जी से हो सकते हैं। अच्छा गोमती, क्या तुम्हारा पति हमेशा कॉन्डम इस्तेमाल करता है? नहीं। क्यों? उसे अच्छा नहीं लगता। और तुम्हें, क्या तुम्हें कोई फिक्र नहीं है अपने स्वास्थ्य के बारे में? हमारा क्या है, हम चाहें या ना चाहें, बस आदमी नहीं मानता। देखो मुश्किल तो है लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी, है ना। या फिर ऐसा कि मैंने बताया, कॉन्डम का इस्तेमाल करने से मियाँ और बीवी दोनों को एड्स और गुप्त रोग से बचाया जा सकता है और बच्चे भी अपनी मर्जी से हो सकते हैं। मर्द शुरुआत में ना ही माने लेकिन धीरज खोए बिना अगर हम उन्हें बार बार समझाएं तो एक ना एक दिन वो जरूर मानेंगे। आखिर उन्हें अपने और हमारे स्वास्थ्य का ख्याल करना ही पड़ेगा, है ना। अब आपको पता चला कि एड्स शिक्षा के लिए गांव में 6 दिन रहना क्यों जरूरी होता है? जी जी। आपके हाथों में अब बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ी शक्ति भी। सही जानकारी देकर आप हजारों जानें बचा सकते हैं। जानकारी देते वक्त कुछ जरूरी बातें याद रखें। शुरुआत सीधे गुप्त रोग से न करें, बात धीरे धीरे एड्स की ओर बढ़ाएं। लोगों के हाव भाव देखकर उनकी हिचकिचाहट को समझें और उन्हें सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। जब जवाब दें सही उदाहरणों का इस्तेमाल करें। इन छोटी छोटी बातों से बहुत फर्क पड़ता है। हमारी ये शुभकामना है कि लोगों में एड्स के प्रति जागृति लाने में जो कामयाबी हमें मिली वो आपको भी मिले। तो फिर मिलेंगे। क्या पढ़ रही हो? स्वयं सेवकों पर किताब है। अच्छी है पर आजकल के लिए थोड़ी सी पुरानी है। पायल, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? क्यों ना हम अपने अनुभवों पर एक किताब लिखें? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। है ना? बिल्कुल, ताकि हमारी भूलों को और स्वयंसेवक ना दोहराए। बहुत बढ़िया, तो शुरू करें अभी। हाँ भाई, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ठीक है, कहाँ से शुरू करें? एड्स वाले प्रोजेक्ट? नहीं, एक काम करते हैं, आखिरी प्रोजेक्ट से शुरुआत करते हैं और फिर वहां से उल्टे चलते हैं। तो हम उस गांव में गए, वहां हमने देखा कि बच्चे और बड़े दोनों में एक की बीमारियां बहुत ज्यादा थी।
बच्चों में दस्त पड़ा हमका और हमें लगा कि साबुन से हाथों को ना धोना उसकी एक बड़ी वजह थी। उनमें साबुन से हाथ धोने की आदत डालनी बहुत जरूरी थी। खत तुमने जाते ही भाषण देना शुरू कर दिया। सरला, क्या तुम जानती हो कि साबुन से हाथ ना धोने की वजह से हमारे हाथ पर मैल और कीटाणु धरे रह जाते हैं और वही पेट में पहुंचकर बीमारियां पैदा करते हैं? जी जी, इसीलिए खाना बनाने और खाने से पहले हमें अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए। क्या तुम धोती हो? हाँ हाँ धोती हो। अच्छा, कौन से साबुन से धोती हो? मैंने कहा कौन से साबुन से? हाँ हाँ सुना, जो भी मिलता है उसी से चला लेते हैं। तो मैं हाथ के साबुन से लिख लेती हूँ। अच्छा सरला, सरला के यहाँ से संतुष्ट होकर मैं वहां से चल पड़ी, पर दूसरे ही दिन वो अपनी बच्ची को स्वास्थ्य केंद्र लेकर आई। इत्तेफाक से मैं वहां पर थी, बच्ची को दस्त था। मैं उसी वक्त समझ गई कि उसने मुझे पूरी जानकारी नहीं दी थी। खाना बनाने या खाने से पहले उसे साबुन से हाथ धोने की आदत नहीं थी। टीचर जी, इससे आपने क्या सीखा? यही कि टीचर जी बनके तुरंत भाषण शुरू कर देने से काम नहीं बनता। लोगों से पहले संबंध बनाना जरूरी है। बिल्कुल सही। अब बिटुआ कैसा है आपका? बहुत अच्छा है। क्या फिरनी बनी है? खाना खा लेते हैं। चलिए, पर पहले साबुन से हाथ धोएंगे हम, ठीक है ना? आप धोएंगे तो हम भी धो लेंगे। अब मैं खाना बनाती हूँ, पर आटा बुनने से पहले अगर साबुन से हाथ नहीं धोए तो तुम्हारे हाथ पर लगे कीटाणु। जी जी, अच्छा मैं हाथ धो लेती हूँ। चलिए। कोई भी शिक्षा देने से पहले दोस्ती का माहौल बनाना क्यों जरूरी है? जब दोस्ती का माहौल बन जाता है तो कोई भी व्यक्ति आपको सुनने और बताई गई बातें समझने को तैयार हो जाता है। समझा जी? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम किया भौजी आपने। अरे सुखिया, कैसे हो? ठीक है। आज काम बहुत सा लगता है। हाँ। जोरों की भूख लगी होगी। हाँ। मैं खाना लगाती हूँ। यही लेके आओ, आप भी खाओगे ना? अरे नहीं भाई, अभी तो देर है, देखो। ठहरो सुखिया, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हाथ साफ हो गए? जी हाँ, देखिए। अच्छा भौजी, एक कांच का ग्लास मिलेगा? हाँ मिलेगा। लाइए ना। हाँ। लाइए। अरे यहाँ पे कोई जादू वादू चल रहा है क्या? हाँ जादू ही है, आओ सब लोग देख लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ। देखिए, सुखिया ने अभी अपने हाथ साफ पानी से धोए। क्या आप लोग ये मानते हैं कि इनके हाथ साफ हैं? हाँ। अच्छा, अब देखिए सुखिया, अच्छे से घिस कर अपने हाथ इस ग्लास में धोना तो देखें। हाँ 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 हाँ, इसके अंदर ही धो। हाँ हाँ, अच्छे से, बस बस बस। यही तो गलती किया सुखिया ने, हाथ धोने के लिए पानी काफी नहीं, इसके लिए राख चाहिए, राख से मिश्रा चाहिए। नहीं रघु, राख ताजी हो और उसमें मिट्टी ना मिली हो तो ही वो चल सकती है, लेकिन साबुन से हाथ धोने पर हाथ पर लगे हुए कीटाणुओं को पूरी तरह मारा जा सकता है। साबुन तो बहुत महंगा पड़ता है साहब। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ,
कि पिछले 2-3 महीनों में तुम में से कौन कौन बीमार पड़ा, चाहे छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, हैं? तुम बताओ रघु, तुम्हें क्या हुआ था? मुझे तो टाइफाइड हुआ था साहब। अच्छा, तुम्हें? दस। ठीक है, दवाइयों पर खर्च कितना आया? 70-80 रुपया। 70-80। अच्छा, और काम पर कितने दिन नहीं जा पाए? 3-4 दिन। और एक दिन में कितने पैसे कमाते हो? यही कोई 40-50। 40 या 50, तो 3 दिन के हुए 150, और ऊपर से दवा और डॉक्टर का खर्च अलग। तो अब आप ही लोग बताइए कि दवाइयों पर 200 रुपये खर्च करना बेहतर है या साबुन पर महीने में 10-15 रुपये खर्चना, बताइए। साबुन के ऊपर ही खर्च करेंगे, है ना? हाँ। और देखो, तुम कपड़े या बर्तन धोने वाला साबुन भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन खाने से पहले साबुन से हाथ धोना बहुत जरूरी है, हैं? और सिर्फ खाने से पहले ही नहीं, खाना बनाने से पहले और शौच के बाद भी आपको हाथ साबुन से जरूर धोने चाहिए। हाँ, तो आज खाना खाने से पहले सब साबुन से हाथ धोएंगे। हाँ। सुनने वालों को हमेशा सारे विकल्प बताएं और उनके सवालों का पूरा जवाब दें। ध्यान में रहेगा। मुझे खाना तो बहुत भूख लगी है। अरे देती हूँ बाबा, पहले बहन जी को नमस्ते तो बोलो। नमस्ते, बहुत भूख लगी है। देती हूँ बाबा, ये तो हमेशा से ऐसे ही है, आते ही शुरू हो जाती है। अरे वाह मुन्नी, शाबाश। मामा रुको। अरे मुन्नी की माँ ने क्या गलती की? मुन्नी की माँ को खाना परोसने से पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए थे। माँ, तुमने तो मुझे खाना देने से पहले अपने हाथ ही नहीं धोए। देखा बहन जी, ये बनेगी आपकी चेली। अरे फिर अच्छा ही तो है, स्कूल में स्वास्थ्य शिक्षा इसीलिए तो दी जाती है ताकि सफाई की आदत बचपन से हो जाए, है ना? और अब कांता, तुम जरा बता दो, आज हमने कौन सी 3 चीजों के बारे में बात की? वो इतनी जल्दी भूल गई? बताओ तो, वो कौन से 3 समय हैं जब साबुन से अपने हाथ जरूर धोने चाहिए? अच्छा, समझ गई। हाँ। पहले तो सुबह शौच के बाद, दूसरा खाना बनाने से पहले, और परोसने से पहले, और तीसरा तो खाना खाने से पहले। बिल्कुल सही। शाबाश। सिखाई हुई बातें लोगों को याद हैं या नहीं, इसकी तसल्ली कैसे करें? बार बार लोगों के पास जाकर देखें कि वो उन बातों को अमल में ला रहे हैं या नहीं। प्यार से बोलो, धीरज से सुनो, रचनात्मक उपाय दो, जरूरतों को समझो, चुप रहने वाले को भी बोलने का प्रोत्साहन दो। पहले दोस्ती करो, फिर सूचना दो, विकल्प बताओ और उनके रास्ते समझाओ। बार बार लौट कर देखो कि तुम्हारी सिखाई चीजों पर अमल हो भी रहा है कि नहीं। ऐसी कितनी ही बातें हमने खुद सीखी हैं, नहीं? हम इस किताब को खुली किताब रखेंगे ताकि इसमें सिर्फ हमारे ही अनुभव नहीं, हमारे बाद आने वालों के अनुभव भी समा सके।